हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसकी डिमांड मुझे काफ़ी दिनों से थी। वैसे मैं इस गाड़ी का सीधा वॉक अराउंड दे करके इसकी सीधी आपको राइड रिव्यू ही देने वाला था, लेकिन अभी पुणे में जैसे आप लोग जानते ही हो लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ पे कहीं बाहर जाना भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा कि फर्स्ट इंप्रेशन वाला वीडियो आपको बना करके दे दूँ पल्सर 125 NS का, जो कि हाल फिलहाल लॉन्च हुई है। और इस ब्लॉग में आपको मैं वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली चीज़ें जो है वो बताने वाला हूँ जो कि इस गाड़ी से रिलेटेड है, जो आपके काम आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, जो कि 124.4 cc का 4-स्ट्रोक SVO HC 2-वॉल वाला इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है, BS6 कंप्लाइंट के साथ ये इंजन आता है, DTSI टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिल जाती है। और इस इंजन में आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, साथ ही साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स भी आपको मिल जाता है इसमें। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है 11.99 PS की है @8500 RPM पर, और वही मैक्स टॉक इसका 11 NM का है @7000 RPM पर। अब देखो ऐसा है कि ये जो इंजन है ये बता पाना तो मुश्किल है कि ये पल्सर 125 का ही है जो अभी हाल फिलहाल चल रही है स्प्लिट सीट, या फिर ये जो आपकी डिस्कवर आया करती थी उसका है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई ठोस जानकारी अभी तक नहीं मिली हुई है और ना ही मैं किसी शोरूम में जा पा रहा हूँ। तो सवाल ये है कि ये फिर इंजन कौन सा है। ये इंजन मेरे हिसाब से पल्सर 125 का हो सकता है, जिसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे बिठा दिया गया होगा, और अभी तक चलाया नहीं इस गाड़ी को, ना ही किसी से मिला हूँ जो इस गाड़ी को चला रहा है, तो इसका जो इंप्रेशन है वो भी मैं आपको फिलहाल यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा। खैर, लेकिन ये जो इंजन है ये काफ़ी अच्छा और पावर ज़्यादा इसमें मिल रही है आपको 125 cc सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले, ठीक ठाक सी पावर, इनफैक्ट ज़्यादा पावर आपको देखने को मिलती है। इस गाड़ी की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो ये भी एक सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात हुई है जो इस गाड़ी के मतलब जो हमारी टीम के बंदे हैं जो जा चुके हैं, देख चुके हैं इस गाड़ी को, जो NS160 है या फिर 200 है उनके ही कुछ मटेरियल का हिस्सा इस गाड़ी में फिक्स करा गया है, बिठाया गया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चेसिस शायद थोड़ी अलग हो सकती है, या फिर वही हो सकती है, या फिर कुछ जो चीज़ें हैं जैसे प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल, हेडलाइट, रियर लाइट, जो स्टील मटेरियल है, हूबहू ये NS160 200 जो भी आती है उनका ही यहाँ पे लगाया गया होगा। अब अगर ऐसा है तो जी हाँ, इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बेहतर आपको मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि 160 और 200 को हम सब जानते हैं जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छी बेची भी जा रही है। इस गाड़ी का ओवरऑल कर्व वेट आपको 144 kg का मिल रहा है और वही मैक्स पावर 11.99 PS की मिल रही है। अब अगर ऐसा देख लिया जाए कि ये पावर टू वेट रेशो यहाँ पे जो कैलकुलेशन निकल करके आता है उसका बेहतरीन निकल करके आता है, और ऑलमोस्ट पल्सर ब्रांड के जितनी भी गाड़ियाँ हैं जैसे NS160 है, उसके बाद 200 है, उसके बाद RS है, उसके बाद 125 cc सेगमेंट में भी आती है, इन सभी गाड़ियों में अगर देख लिया जाए तो पावर टू वेट रेशो बेहतरीन मेंटेन रहता है, और ये बजाज की खासियत भी है, उस हिसाब से यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रहा है। इस गाड़ी का ओवरऑल व्हील बेस जो है वो 1353 mm का मिलने वाला है, 1353। इस हिसाब से जब भी कभी आप सिटी राइडिंग में इस गाड़ी को चलाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, क्योंकि व्हील बेस बाकी गाड़ियों के मुकाबले ठीक ठाक है, ना ज़्यादा है ना कम है, तो सिटी राइडिंग में टर्निंग रेडियस लेने में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली। और कभी आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, किसी बाहर ख़राब रास्तों पर चलाना चाहते हो, तो 179 mm का इसका जो ग्राउंड क्लीयरेंस आपको मिल रहा है वो भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो नीचे से कुछ भी हिट होने का आपको सिर्फ कोई चांस इसमें नहीं है। और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको 805 mm की जो सीट हाइट है वो मिल रही है, इसमें स्प्लिट सीट आती है आपको सीएस, और ये जो सीट हाइट है ये अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो आप इसे आराम से चला सकते हो, इससे थोड़ी ऊपर है तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उससे थोड़ी कम है तो आप हाँ थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इस गाड़ी के कुछ फीचर्स है जो मैं आपको बताने चाहता हूँ जो इस गाड़ी में मिल रहे हैं। वैसे इसमें जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो एनालॉग प्लस डिजिटल मिल रहा है, जिसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर जैसे इंडिकेटर्स जो है, इंडिकेशंस जो है वो मिल जाते हैं। इसमें आपको पास स्विच भी मिल रहा है, सामने कोई गाड़ी आ रही है उसको पास देना है तो लाइट ऑन कर सकते हो आप एक स्विच के द्वारा, वो मिल रहा है। हेडलाइट जो है इसका हैलोजन मिल रहा है, इसके जो इंडिकेटर्स यानी टर्न सिग्नल लैंप्स जिसे हम कहते हैं वो बल्ब में मिल रहे हैं, हालांकि ये LED में होने चाहिए थे और कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी थी पल्सर के लवर्स को। LED टेल लैंप्स इसमें आपको मिल रहा है। ओवरऑल जो इस गाड़ी की बैटरी कैपेसिटी है वो 12 वाट की है, 12 वाट की चार्जिंग बैटरी इसमें आपको मिल रही है, और ये बैटरी पल्सर की ही है जो आपको अभी हाल फिलहाल मिल रही है 125 स्प्लिट सीट में। लो फ्यूल इंडिकेटर भी आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ तक तो सारी बातें ठीक है। इस गाड़ी की प्राइस भी जान लेते हैं, 94,000 करीब करीब इसकी प्राइस आती है एक शोरूम के हिसाब से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह अलग अलग होती है जैसे मैं कहते रहता हूँ बार बार।
तो ऑन रोड प्राइजें कुछ और ही निकलेगी। चलो ये सारे फीचर्स और ये कीमत को ध्यान में रखते हुए अगर बजाज के सर्विस नेटवर्क की या फिर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए, पर्टिकुलर इस NS125 की अगर मैं बात करूँ स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की, नो डाउट इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। इसका रीज़न सिंपल सा ये है क्योंकि ये 200 और 160 के ही पार्ट्स इसमें कुछ हद तक माइनर से चेंजेस के साथ इसमें फिक्स करे गए हैं और वही जो है इसमें आपको फिक्स हो सकता है। तो अगर किसी ऐसी जगह पे आपकी गाड़ी अटक चुकी है गांव खेड़े में जहाँ पे कोई स्पेयर पार्ट ही अवेलेबल ना हो, उस समय आप ये वाले स्पेयर पार्ट लगा सकते हो जो कि कुछ हद तक मैकेनिक को पता होता है, मैच होता है नहीं होता है वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। तो ऐसा है कि यहाँ पे स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बजाज का सर्विस नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत ही बड़ा है, वाइड है, और हाल फिलहाल न्यूज़ में ये भी आया था कि बजाज नंबर वन सेलर बन चुका है टू व्हीलर इंडस्ट्री में। तो ऑफकोर्स यस, ये अचीवमेंट वो खोना नहीं चाहेगा और कहीं ना कहीं लोगों को और ज़्यादा सर्विस अच्छी देना चाहेगा, यही है। आफ्टर ऑल अगर मोरल की बात कर ली जाए कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, 125 खरीदनी चाहिए या फिर ESP वगैरह, उसके बाद हीरो की ओर से आती है स्प्लेंडर, ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, तो इन गाड़ी को खरीदना चाहिए या फिर यही एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। तो देखो मैं ये कहूँगा आपको इस गाड़ी को खरीदना क्यों चाहिए या फिर क्यों खरीदना नहीं चाहिए। इस बजट में या फिर इससे कम बजट में आप कोई और दूसरी गाड़ी ले सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट 160 या फिर 200 का नहीं है, NS160 या फिर NS200, और आप चाहते हो कि कोई स्पोर्टी बाइक आपको मिले जो हूबहू उस 160-200 की तरह दिखे, स्पोर्टी हो, स्पीड आपके आप शौकीन हो, कभी कभार लॉन्ग राइड आपके होती रहती है, सिटी में भी आपके राइड कभी कभार होते रहती है, मैक्सिमम लॉन्ग राइड आपकी होती है, तो ऐसे में आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो। मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए के अंदर में ये 125 cc की बेस्ट बाइक है। यंगस्टर्स को फोकस किया हुआ है बजाज ने इस गाड़ी को उतार करके, और कहीं ना कहीं ये गेम बिल्कुल सही से प्ले किया हुआ है बजाज ने, क्योंकि आपने देखा होगा पल्सर 150 cc की जो आया करती थी 150, अभी भी आ रही है, अभी तो ड्यूअल डिस्क के साथ आ रही है, UG5 जिसे कहते हैं, UG6, तरह तरह के वेरिएंट से जो ज़्यादा सक्सेसर्स है, जो बाइक ज़्यादा सक्सेस हो चुकी है उन्हीं का छोटा वर्जन निकाल करके जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, उनके ऊपर फोकस किया है बजाज ने। बिल्कुल ये सही रणनीति है बिजनेस की और यही करना भी चाहिए, तो इन्हीं लोगों को टारगेट करके इस गाड़ी को भी उतारा गया है। अभी तो ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पाया, लेकिन इस गाड़ी को जब मैं खुद हाथ में ले लूँगा, लॉकडाउन खुल जाएगा यहाँ का, मेरी सोसाइटी पूरी खाली पड़ी है, आप देख ही सकते हो पीछे आपको दिख रहा होगा, और मैं भी आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि घर के बाहर तभी निकले जब ज़्यादा काम हो। हॉस्पिटल्स में मैंने खुद देखा है काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब है अभी फिलहाल, खैर वो अलग बात है, आप लोग उतने समझदारी हो। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो। और अब फिलहाल के लिए मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे किसी ना इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।